तो हम लोग फ्रेंड देखते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है फ्रेंड, सत्रह सौ पाँच से 1773 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही गवर्नर ऑफ बंगाल है फ्रेंड जो फेमस है, और उसी का नाम हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, वो है 14th नंबर पे फ्रेंड, 14th गवर्नर ऑफ बंगाल है, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है फ्रेंड, इनका टेन्योर था 1758 से 1760 तक। ठीक है फ्रेंड, ये फिर से एक बार आए थे 18th गवर्नर ऑफ बंगाल बन करके। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव, इस समय इनका टेन्योर था 1765 से 1767 तक था फ्रेंड। ये चीज़ देखिए फ्रेंड, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, उसके जस्ट एक साल बाद न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल आ गया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद एक फेमस इंसिडेंट हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। जस्ट बैटल ऑफ बक्सर के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल चेंज हो गया, जिसका नाम फिर से रॉबर्ट क्लाइव आ गए। ठीक है फ्रेंड, और इन्होंने कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस किए थे, जिनके वजह से हिस्ट्री में इनका नाम लिया जाता है, और जनरली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। 21st गवर्नर ऑफ बंगाल जिसका नाम था वॉरेन हॉस्टिंग्स, इनका टेन्योर एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल 1772 से 1773 तक रहा। ठीक है फ्रेंड, राइट तक थे कौन, वॉरेन हॉस्टिंग्स, है ना, इनका टेन्योर 1772 से 1773 तक थे एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल। 1773 में क्या हुआ फ्रेंड, 1773 में पास हुआ हमारा क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के तहत क्या किया गया फ्रेंड, इस एक्ट के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे फ्रेंड, इनका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया फ्रेंड। ठीक है, इसका नाम चेंज करके गवर्नर ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया फ्रेंड। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब जो है ये वॉरेन हॉस्टिंग्स क्या कहलाए फ्रेंड, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है फ्रेंड, तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन कहलाएगा फ्रेंड, तो वॉरेन हॉस्टिंग ही, क्योंकि वॉरेन हॉस्टिंग ही कंटिन्यू रहे थे 1773 के बाद भी। ठीक है फ्रेंड, तो 1773 से 1785 तक वॉरेन हॉस्टिंग ही कंटिन्यू किए, तो वॉरेन हॉस्टिंग ही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाए फ्रेंड। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हो गया फ्रेंड, वॉरेन हॉस्टिंग्स। ठीक है फ्रेंड, इनका टेन्योर एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया फ्रेंड 1773 से 1785 फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिंग ने कितना साल इनका टेन्योर था फ्रेंड, कितने इयर्स का, वन इयर्स का फ्रेंड। और एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनका टेन्योर जो है फ्रेंड वो कितने इयर्स का है, 13 इयर्स का है फ्रेंड। ठीक है, और ये लॉन्ग टेन्योर, सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड सेकंड नंबर पे कौन आता है। सेकंड नंबर पे है जॉन, जॉन मैक फोन फ्रेंड, मैक पर्सन सॉरी, जॉन मैक पर्सन। जॉन मैक पर्सन फ्रेंड है ना, इनका टेन्योर है 1785 से 1786। नेक्स्ट है फ्रेंड थर्ड नंबर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है फ्रेंड। इनका टेन्योर है 1786 से 1793, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो थे फ्रेंड वो थे जॉन शॉर, ठीक है फ्रेंड। इनका जो टेन्योर है फ्रेंड वो 1793 से 1798 तक है फ्रेंड। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे जो है फ्रेंड वो मॉर्निंगटन, कौन थे फ्रेंड, मॉर्निंगटन, या इन्हीं को लॉर्ड वेलेसली भी कहा जाता है फ्रेंड, लॉर्ड वेलेसली, और इसी को फ्रेंड कहते हैं मॉर्निंगटन, मॉर्निंगटन, ठीक है फ्रेंड। इनका टेन्योर जो है वो 1798 से 1805 तक है फ्रेंड। नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर पे जो है फ्रेंड वो है कॉर्नवेलिस, ठीक है। ये फिर से आ गए थे है ना 1805 से 1805 तक ही रहे फ्रेंड है ना, ये जुलाई में आए थे अक्टूबर में चले गए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड, नेक्स्ट सेवेंथ नंबर पे जो है फ्रेंड, सेवेंथ नंबर पे वो है जॉर्ज बारलो। इनका जो टेन्योर है फ्रेंड वो है 1805 से 1807 तक है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो है वन, लॉर्ड मिंटो वन। इनका टेन्योर 1807 से 1813 तक है फ्रेंड। ये फ्रेंड लॉर्ड मिंटो वो बोला मिंटो नहीं है जो फेमस है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 को लेकर के है ना, वो मिंटो नहीं है फ्रेंड, ये दूसरा मिंटो है। इनका नाम है मिंटो, लॉर्ड मिंटो वन, ठीक है फ्रेंड। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग मिंटो है, वो अलग मिंटो है, ठीक है। फिर नाइन्थ नंबर पे कौन आते हैं फ्रेंड, लॉर्ड सॉरी नाइन्थ नंबर पे आते हैं फ्रेंड मार्क्स लॉर्ड हॉस्टिंग्स, ठीक है फ्रेंड। मार्क्स लॉर्ड हॉस्टिंग्स, ये वॉरेन हॉस्टिंग्स नहीं है फ्रेंड, ये कोई और है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये वॉरेन हॉस्टिंग नहीं है, ये कोई और है, ठीक है। फेमस ये फेमस नहीं है, लेकिन वॉरेन हॉस्टिंग्स बहुत फेमस है, ठीक है। उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है हिस्ट्री में, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पे वॉरेन हॉस्टिंग्स पे आते हैं फ्रेंड, क्योंकि वॉरेन हॉस्टिंग एक तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, दूसरी बात सबसे ज़्यादा टेन्योर तक वो रहा है ना। और भी बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, वो हम लोग डिटेल्स में जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी उसमें आप लोग को हम बताएंगे। अभी इन सब चीज़ों को आपको याद कर लेना है फ्रेंड, इसको याद करने का ट्रिक भी मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। टेंथ नंबर पे देखते हैं फ्रेंड, टेंथ नंबर पे उतना फेमस नहीं है, ठीक है, तो इसको याद नहीं रखना है फ्रेंड, और इसको लिखना भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखिए कि टेंथ नंबर पे भी कोई आया था, वो एक एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, है ना, मतलब फुल फ्लेस में नहीं था वो, है ना,
फॉर्मेलिटी के लिए, सिर्फ रोल अदा करने के लिए सिर्फ थे फ्रेंड, है ना, क्योंकि उस समय तक कुछ क्लियर नहीं था कि किसको भेजना है इंडिया में एज अ गवर्नर जनरल। तब तक के लिए फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे, जिस तरह एक्टिंग एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कैसे होता है फ्रेंड, जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो ड्यूरिंग इलेक्शन तो ना तो कैबिनेट रहता है, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कैबिनेट मिनिस्टर, तो फिर कुछ कार्यकलाप जो इलेक्शन तो काफ़ी कम से कम एक दो सप्ताह तो एटलीस्ट चलता ही है, तो एक दो सप्ताह तक देश का कार्यभार जो एग्जीक्यूटिंग वर्क है ना, वो कौन करेगा फ्रेंड। मान लीजिए इमरजेंसी आ गया, कोई अटैक कर दिया, कुछ भी हो सकता है 14 दिन में, तो वो कौन करेगा फ्रेंड। तो इलेक्शन के टेंडर तक जो हमारा कैबिनेट रहता है वो एज इट इज़ रहते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिंग कैबिनेट या एक्ट, और प्राइम मिनिस्टर को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं फ्रेंड, है ना। उस समय उनका कोई बस नहीं चलता है, सिर्फ नाम के लिए होते हैं फ्रेंड, सिर्फ नाम मात्र के लिए होते हैं। पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो चला जाता है प्रेसिडेंट के हाथ में, ठीक है। लेकिन फॉर सेक ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन या कोई जो भी जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं गवर्नेंस का, वो हमेशा चलते रहना चाहिए, इसके लिए वो कंटिन्यू रहते हैं जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर ना आ जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्शन द प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है फ्रेंड। उसी तरह अभी तक यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, इस वजह से कोई अपॉइंट नहीं हुआ है ना, किसी का सिलेक्शन हो रहा होगा। किसका सिलेक्शन हो रहा था फ्रेंड, वो विलियम बेंटिक है ना। उस वहाँ तक के लिए सब दो दो तीन तीन एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था, एक 1823 से 1823 में कुछ मंथ के लिए आए थे, फिर 1823 से 1828 तक आया था, है ना, गवर्नर जनरल। फिर 13th नंबर पे फ्रेंड, यहाँ पे भी एक देखिए, ये फुल फ्लेज में आया था लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे फ्रेंड 1828 से 1828 के बीच में फ्रेंड, ये कुछ मंथ के लिए आया था, ये भी एक्टिंग गवर्नर जनरल थे फ्रेंड। जैसे देखिए ये चले गए इससे पहले, जैसे देखिए ये लॉर्ड हॉस्टिंग्स थे फ्रेंड, ये भी एक्टिंग, ये नहीं, ये एक्टिंग थे, फुल फ्लेज में थे, ये आए, उसके बाद फिर एक्टिंग गवर्नर जनरल, फिर फुल फ्लेज में, फिर एक्टिंग आया, ठीक है। अब 14th नंबर पे जो है फ्रेंड, वो है हमारा कौन, विलियम वेंटिक। इसको एज इट इज लिखिए फ्रेंड, इम्पोर्टेंट है, फ्लो में रहना चाहिए, विलियम वेंटिक, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसको और बेटर तरीके से लिखते हैं फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। 14th नंबर पे जो था फ्रेंड वो कौन था, विलियम बेंटिक, ठीक है फ्रेंड, विलियम बेंटिक। ठीक है फ्रेंड, इनका टेन्योर कब तक रहा है, 1828 से 1833 तक फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, 1833 में एक इंसिडेंट हुआ था, 1833 में फ्रेंड चार्टर एक्ट आया था फ्रेंड, ठीक है, चार्टर एक्ट आया था। इसमें क्या किया गया था फ्रेंड, जो हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल का नेम चेंज करके क्या कर दिया गया था फ्रेंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया फ्रेंड, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया फ्रेंड, 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज होकर के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया फ्रेंड। तो लास्ट गवर्नर जनरल होगा फ्रेंड, सॉरी इसमें जो है फ्रेंड देखिए, देखिए 1833 चार्टर्ड एक्ट आया था फ्रेंड। चार्टर्ड एक्ट में क्या गया था, क्या हुआ था कि जो गवर्नर
जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ जनरल यस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया फ्रेंड, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया फ्रेंड, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पहले पोस्ट था फ्रेंड 1833 से पहले यह पोस्ट क्या कहलाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 के बाद यह पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया और 1835 के बाद इस पद का नाम चेंज होकर के क्या हो गया फ्रेंड, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है फ्रेंड। तो विलियम बेंटिक जो थे फ्रेंड वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा फ्रेंड, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक साहब ही थे। क्यों? क्योंकि ये अपने पद पे कंटिन्यू बरकरार थे, है ना। जब चार्टर्ड एक्ट आया तो इन्हीं को कंटिन्यू आगे बढ़ा दिया गया और इनका पद का नाम चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे फ्रेंड, वह है विलियम बेंटिक, ठीक है फ्रेंड। एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनका टेन्योर जो है कब से कब तक है फ्रेंड, 1833 से 1835, 2 साल तक थे फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए फ्रेंड कौन, मेटकल्फ, मेटकल्फ, ठीक है फ्रेंड। इनका टेन्योर 1835 से 1836 तक है फ्रेंड। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे जो है फ्रेंड लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, इनका जो टेन्योर है 1836 से 1842 तक। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो है फ्रेंड वो है एलन बोरो, लॉर्ड एलन बोरो, ठीक है फ्रेंड। इनका टेन्योर 1842 से 1844 तक है। फिफ्थ नंबर पे जो है फ्रेंड वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए थे, ठीक है, तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ नंबर पे देखिए फ्रेंड वो हेनरी हार्डिंग थे। सिक्स्थ नंबर पे कौन, हेनरी हार्डिंग, ठीक है फ्रेंड। इनका टेन्योर 1844 से 1848 तक था। नेक्स्ट जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है फ्रेंड वो थे अर्ल ऑफ डलहौजी। इनका नाम तो सब लोग जानते ही होंगे, अर्ल ऑफ डलहौजी, ठीक है फ्रेंड। ये 1848 से लेकर के 1856 तक थे फ्रेंड। नेक्स्ट एट नंबर पे जो है फ्रेंड वो लॉर्ड कैनिन है फ्रेंड, लॉर्ड कैनिन, ठीक है। ये इनका टेन्योर 1856 से 1857 है फ्रेंड, सॉरी 1858 है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हुआ था फ्रेंड, इसी बीच में क्या हुआ था, कि 1800
1958 में फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है फ्रेंड, तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे फ्रेंड, इसका नाम बदल करके कर दिया है क्या, वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया फ्रेंड। ठीक है, अब 1858 के बाद पोस्ट का नाम, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज होकर क्या हो गया फ्रेंड, वाइसराय हो गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन हुए फ्रेंड, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया तो लॉर्ड कैनिंग है फ्रेंड, इन्हीं को कंटिन्यू रखा गया फ्रेंड। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है फ्रेंड, एज अ वाइसराय ऑफ इंडिया ये कब से कब तक थे, 1858 से 1862 तक। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे वाइसराय ऑफ इंडिया कौन थे फ्रेंड, अर्ल ऑफ इल्गिन थे फ्रेंड, इनका टेन्योर 1862 से 1863 तक था। थर्ड नंबर पे हमें याद नहीं रखना फ्रेंड, क्योंकि ये एक्टिंग वाइसराय ऑफ इंडिया थे। ठीक है, फोर्थ नंबर पे भी हमें याद नहीं रखना है, फिफ्थ नंबर वाला हमको याद रखना है फ्रेंड, फिफ्थ नंबर पे थे जॉन लॉरेंस, इनका टेन्योर 1864 से 1869 तक था फ्रेंड। सिक्स नंबर पे मायो था फ्रेंड, इनका टेन्योर 1869 से 1872 तक। सेवेंथ नंबर पे जो है फ्रेंड याद नहीं रखना है, क्योंकि ये एक्टिंग वाइसराय थे, 1872 से 1872 तक। एट नंबर भी याद नहीं रखना है, 1872 से 1872 तक एक्टिंग फील्ड से आया था। फिर नाइन्थ नंबर पे हमें याद रखना है फ्रेंड, इनका नाम था नॉर्थ ब्रुक। ठीक है फ्रेंड, इनका टेन्योर था 1872 से 1876 तक। ठीक है फ्रेंड, फिर हमें टेंथ नंबर का वाइसराय जिनका नाम था लीटन, इनका टेन्योर 1876 से 1880 तक। नेक्स्ट जो है फ्रेंड इलेवेंथ नंबर पे उनका नाम है रिपन, लॉर्ड रिपन, इनका टेन्योर 1880 से 1884। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा वाइसराय वह डफरिन, इनका टेन्योर 1884 से 1888 तक था फ्रेंड। थर्टींथ नंबर पे है फ्रेंड लैंडसॉन, ठीक है लैंडसॉन, इनका टेन्योर 1888 से 1894 तक का फ्रेंड। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्टींथ नंबर पे जो है फ्रेंड वो है एल्गिन,
ये अर्ल ऑफ एलगिन नहीं, सिर्फ एलगिन है ये। इनका टेन्योर 1894 से 1899 तक का है फ्रेंड। 15th नंबर पे जो है फ्रेंड इनका नाम है लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन। है ना, जो फेमस है किसके लिए, पार्टीशंस ऑफ बंगाल 1899 से 1905 तक है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए जैसे बंगाल का पार्टीशंस हो गया तो इसने क्या किया, वॉइस राय भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट वॉइस राय जो है फ्रेंड 1905 में पार्टीशंस ऑफ बंगाल हुए थे फ्रेंड, उसको चेंज कर दिया वॉइस राय को, जिसका नाम है अर्ल मिंटो। ठीक है फ्रेंड, ये 1905 से लेकर के 1910 तक था फ्रेंड। ये फेमस है फ्रेंड मॉडले मिंटो रिफॉर्म, है ना। मिंटो जो है फ्रेंड वो फेमस है किसके लिए, द फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए फ्रेंड। 17th नंबर पे जो है फ्रेंड वो है लॉर्ड हार्डिंग, उन्नीस सौ सोलह तक थे ये। 18th नंबर पे जो फ्रेंड उनका नाम है जेम्स फोर्ड। ठीक है फ्रेंड, ये थे 1916 से 1921 तक। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट जो है फ्रेंड 19th जो वॉइस रहा है वो रीडिंग, नेम था इसका रीडिंग, है ना। ये 1921 से 1926 तक है फ्रेंड। नेक्स्ट वॉइस रॉय 20th वॉइस रॉय जो है फ्रेंड वो इरविन थे। इनका टेन्योर 1926 से 1931 है फ्रेंड। फिर 21st कौन है फ्रेंड, वी लिंगटन। ठीक है फ्रेंड, इनका टेन्योर 1931 से 1936 तक है फ्रेंड। नेक्स्ट 22nd पे जो है फ्रेंड इनका नाम है लिन लिथगो। ठीक है फ्रेंड, 1936 से 1943 तक थे ये। नेक्स्ट है फ्रेंड 23rd नंबर पे ये है वेवेल। ये तो वेवेल प्लान आप लोगों को तो पता ही होगा फ्रेंड, कैबिनेट मिशन तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, ये सब इसी के टाइम हुआ था। नेक्स्ट जो है फ्रेंड हमारा 24th नंबर पे वो है लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है फ्रेंड, इनका टेन्योर 1947 से 1947 तक था, है ना। फेब में आया था ये, कब आया था फ्रेंड, फेब में आया था और 15 अगस्त तक रहा था। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड